नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक और एक नई अपडेट के बारे में। GDS की ओर से यहां पे नई अपडेट निकल कर आ चुकी है। जिस भी स्टेट का यहां पे रिजल्ट नहीं आया था, जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सबका यहां पे रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहां पे एक्सपेक्टेशन क्या लगाया जा रहा है और कितना कट ऑफ यहां पर निकल कर आ रहा है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक और एक नई अपडेट निकल कर आ रही है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के रिगार्डिंग। तो जिन लोग का यहाँ पे लिस्ट में नाम है, वो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की नई अपडेट आ चुकी है। प्लस यहाँ पर जो है सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, उसकी भी यहाँ पे जो है अपडेट मैं आप लोग को बता दूंगा। चलते हम सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे एक एक करके सारी चीज़ यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, ताकि आने वाली कोई भी जॉब अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो। जितनी भी यहाँ पे जो है अपडेट्स आती है गवर्नमेंट जॉब्स की, सबके यहाँ पे नोटिफिकेशन लेकर आता रहता हूँ, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब GDS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे जो है कल तक आपको यहाँ पे सिलेक्टेड ही यहाँ पे जो स्टेट देखने को मिल रहे थे, फाइनली यहाँ पे जो है सारे स्टेट का आप यहाँ पे जो है इसका लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग एक एक करके सारे स्टेट का यहाँ पे लिस्ट ओपन कर लेते हैं और मैं आपको सारी चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कितने पे यहाँ पे कट ऑफ रहा। तो छत्तीसगढ़ का यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कट ऑफ रहा, 100 वाले यहाँ पे जो कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन हुआ है। जिन लोग के यहाँ पे जो 95 से ऊपर है, कोई भी आपको 80 वाला, 70 वाला, 60 वाला, 75 वाला, 88 वाला नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप खुद चेकआउट कर सकते हैं कितना हाई कट ऑफ यहाँ पे रहा है, पोस्टें कितनी थी। और उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे 13,000 यहाँ पे 1,336 यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स की लिस्ट है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ का यहाँ पे जिन्हें डिवीज़न दिया वहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसमें छटनी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे जो है जिन लोगों ने फॉर्म भरते टाइम गलतियाँ की थी, फादर नेम में, मदर नेम में, आधार नंबर में, मार्क्स में, प्लस यहाँ पे जो है आपके जो भी एडिट से, जो भी आपके करेक्शन से अगर आपने नहीं किए थे, तो यहाँ पे जो है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से छटनी स्टार्ट हो जाएगी। प्लस यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश का कट ऑफ देख लेते हैं, तो मध्य प्रदेश का काफ़ी हाई कट ऑफ रहा है। पहले एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था कि 90 के ऊपर नहीं जाएगा, पर यहाँ पे 100 पर ही सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं 96, 97, 98, 99, इस तरीके से काफ़ी हाई कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिला है। अब पोस्टें कितनी थी और यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स का नाम आया, तो यहाँ पे जो 4,008 टोटल कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पर आया लिस्ट में। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था जिसका 94% था, उसका भी यहाँ पे जो लिस्ट में दूर दूर तक कहीं भी नाम नहीं है। किस तरीके से चेकआउट करना है रिजल्ट, तो यहाँ पे जो है आप लोग को देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको मैच कर लेना है आपने जो फॉर्म भरा था GDS का उसके PDF से, तो वो आकर सेम है, तो आपका यहाँ पे लिस्ट में नाम है। तो इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। पहले यहाँ पे नाम आता था, पर अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो इतना हाई कट ऑफ रहा था, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 94% पे भी लिस्ट में नाम नहीं आया मध्य प्रदेश का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कट ऑफ यहाँ पे चल रहा है। तो आपके यहाँ पे जो है 95 प्लस नंबर हो तो ही यहाँ पे जो है आपका जो लिस्ट में नाम हो सकता है। अब यहाँ पे जो है हम उत्तर प्रदेश के लिस्ट ओपन कर लेते हैं, जो कि काफ़ी हाई कट ऑफ रहा था प्रीवियस वैकेंसी में। तो सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पूरा 100 पर ही यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे 100 वाले कैंडिडेट्स ही आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे कितनी पोस्टें थी और कितने कैंडिडेट्स हैं, तो आप देख सकते हैं 4,580 टोटल कैंडिडेट देखने को मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे जो इतना हाई कट ऑफ रहा फ्रेंड, जो कि आपके सामने यहाँ पे आप खुद स्वयं से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं और दूसरी यहाँ पे डिटेल चेकआउट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर जो है हम लोग इस बार स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे जो है उड़ीसा या पंजाब को, राजस्थान को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे राजस्थान वाले कैंडिडेट्स भी देख लेंगे क्या कट ऑफ कितना यहाँ पे रहा है। तो 100 प्लस यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है जिन लोग के 90 प्लस है उन्हीं का ही सिलेक्शन हुआ है। 100 पर ही पूरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कितना हाई यहाँ पे कट ऑफ रहा है। अब कैंडिडेट्स कितने हैं यहाँ पे जो है 2,716 प्लस यहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन चेकआउट कर लेना है। ST ST का अगर आप देखें तो भी 97 पर ही सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे जो है कई लोग रिजेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी कि यहाँ पे जो है आगे यहाँ पे कितनी लिस्टें आती हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो है सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स का, क्योंकि काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही थी इस बार यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कम जाएगा, पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कट ऑफ काफ़ी हाई है और हर वैकेंसीज़ का यहाँ पे जो है दिन पे दिन कट ऑफ बढ़ते जा रहा है। तो GDS का तो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर ही यहाँ पे जो है 100 पे काफ़ी कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो है 100 मार्क्स है उन लोग का ही यहाँ पे लिस्ट में नाम था। सेम एज इट इज़ यही वाली कहानी सेम आपको 2024 की वैकेंसीज भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो है हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे की, हम लोग यहाँ पे जो है बिहार का ओपन कर लेते हैं। कई लोग यहाँ पे बिहार के भी कैंडिडेट्स हैं, जो लोग यहाँ पे जो है उन लोग का कल रिजल्ट नहीं आया था, तो बिहार का कितना कट ऑफ रहा। तो सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे जो है 94, 98, 98 इस तरीके से कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है कितने टोटल कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं 2,500 प्लस कैंडिडेट्स है। प्लस यहाँ पे जो है वैकेंसीज कितनी थी, तो आप लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। OBC का यहाँ पे जो है 97 पे लिस्ट गई हुई है, जिनके 97 थे उनका ही सिलेक्शन हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है OBC 100, इनका 100 पे नाम है। तो काफ़ी हाई कट ऑफ रहा है GDS का, हर बार की तरह यहाँ पे जो है काफ़ी हाई कट ऑफ गया हुआ है। अब यहाँ पे जो है आपको नई अपडेट बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको
6/9/2024 को यहाँ पे करना है आपके डिवीज़न में। उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करवा लेना है जो भी आपने डिवीज़न सेलेक्ट किया था। 2 सेट आपको ले जाने प्लस यहाँ सेल्फ अटेस्ट करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, तो सेकंड लिस्ट जो है आप लोग को 12 तारीख से पहले देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 6/9/2024 तक यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन चलेंगे, तो उसके बाद ही यहाँ पे आपको कोई भी नई अपडेट देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे इस बारे में कोई भी नई अपडेट नहीं है, ठीक है। सेकंड लिस्ट में यहाँ पे जो है किन लोग का नाम आ सकता है, तो जिन लोग का यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे कटेंगे, तो उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको मौका दिया जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। अब जिन लोग के पास मैसेज आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे जो है अफवाह में नहीं रहेगा, जिनके पास यहाँ पे मैसेज आ रहा है उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी फ्रॉड यहाँ पे चल रहा है, तो आपको यहाँ पे जो एग्जैक्ट यहाँ पे जो है GDF के साइड से मैसेज आता है वो यहाँ पे जो है आप लोग को पता होगा, लिखा रहता है ऊपर इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS, आपका यहाँ पे जो इस तरीके से ID होती है वो यहाँ पे जो है आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। पर आपको यहाँ पे जो है किसी भी फेक या फिर स्कैम में नहीं फंसना है, ठीक है। ऑफिशियल आपको चेकआउट कर लेना है, बाकी आप यहाँ पे जो अफवाहों से दूर रहिएगा। खुद लिस्ट में नाम चेकआउट कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा, जो भी इसमें अपडेट्स थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो मैंने आपको अपडेट दे दिए, सारे स्टेट का यहाँ पे जो रिजल्ट आ चुका है, काफ़ी हाई कट ऑफ रहा है GDS का, प्लस यहाँ पर जो है मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। अब सेकंड लिस्ट का वेट है, 10 तारीख 12 तारीख के बाद ही आपको जो है सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी। सारी चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कल यहाँ पे वीडियो लेकर आऊँगा, सारे स्टेट का एनालाइज करेंगे, सबसे ज़्यादा कितना कट ऑफ हाईएस्ट रहा कौन से स्टेट का और सबसे कम कट ऑफ कितने पे रहा, ठीक है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।